नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्ष द्विवेदी फ्रेंड्स, और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स, ये जो पूरा होम रूल मूवमेंट हुआ था, जो होम रूल लीग सेटअप करी गई थी इंडिया में, और होम रूल लीग की जब भी बात होती है तो दो लोगों का नाम सबसे पहले ऊपर आता है फ्रेंड्स। एक तो है बाल गंगाधर तिलक और दूसरी है एनी बेसेंट जी, ठीक है ना। क्योंकि दो अलग अलग होम रूल लीग शुरू की गई थी और वो एक ही होम रूल लीग के बैनर के अंडर में थी, और दोनों लोगों ने मिलकर काम किया था। और ये हैं आपके बाल गंगाधर तिलक जी और ये हैं आपकी एनी बेसेंट जी। तो इन दोनों का बहुत मेजर रोल है होम रूल लीग में। तो इसको क्या है, इस हम वीडियो में फ्रेंड्स समझ जाएंगे। इस वीडियो के ख़त्म होते होते आपको पूरे होम रूल लीग का आइडिया लग जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हुआ ये था कि आपको पता है कि सूरत स्प्लिट के बाद कांग्रेस बहुत कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स की कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी थी, जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, वो सक्सेसफुल हो गई थी, ठीक है ना। उन्होंने सक्सेसफुली मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को तोड़ दिया था, कांग्रेस को उन्होंने कमज़ोर कर दिया था। जब ये सूरत स्प्लिट उन्होंने कराई तो मॉडरेट्स को तो हल्का फुल्का सपोर्ट देकर उनको शांत करा दिया, और उनको कुछ एज सच कोई पॉलिटिकल वो दिया भी नहीं उन्होंने खास, ठीक है ना। पॉलिटिकल कोई ऐसा होता कि बहुत बड़ा कोई रिफॉर्म दे देते, ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो मेन रोल प्ले कर रहे थे, उनको बहुत दबाया, बहुत पीटा, उनको जेल भेज दिया गया, उनके ऊपर बहुत टॉर्चर किया गया। तो एक्सट्रीमिस्ट को बहुत बुरी तरीके से दबाया गया, और अपनी कैरेटिस्टिक पॉलिसी में, डिवाइड एंड पॉलिसी में इंग्लिश सक्सेसफुल रहे। उसके बाद कांग्रेस का जो रोल था ना, वो बहुत शांत रहा बहुत सालों तक। खासकर 1909 से 1915 के पीरियड में तो कांग्रेस बिल्कुल ही इनएक्टिव थी, और उसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी कि एक मास और कंसोलिडेटेड मूवमेंट वो लॉन्च कर सकें। ज़्यादा ज़्यादा कांग्रेस एक साल में करती क्या थी कि एक बार मिल लेती थी एक जगह पे। दिस वॉज द मैक्सिमम कांग्रेस वॉज डूइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक जी का प्रेजेंट स्टेटमेंट खत्म हुआ और वो मैंडले बर्मा से अपना प्रेजेंट स्टेटमेंट खत्म करने के यहाँ बाद में यहाँ वापस आए, तो देखो उनको बहुत अच्छा रिसेप्शन मिला नहीं दोस्तों, क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट दल के थे, ठीक है। और मॉडरेट्स वैसे भी एक्सट्रीमिस्ट को पसंद नहीं करते थे, और बाल गंगाधर तिलक की क्या था ना कि यार पब्लिक अपील बहुत ज़्यादा थी। तो अगर उन किसी भी जगह पे वो शामिल होंगे ना, तो लोग उनको ज़्यादा पसंद करेंगे, बाल गंगाधर तिलक जी को। ये बात मॉडरेट्स जानते थे। तो जब बाल गंगाधर तिलक जी वापस लौट के आए तो मॉडरेट्स उनको बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया, बहुत ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। बाद में एनी बेसेंट जी के कहने पर उनको थोड़ा थोड़ा कांग्रेस में शामिल किया गया, लेकिन शुरू में उनको रिसेप्शन अच्छा नहीं था। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने एक बात कही कि देखिए, कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है, जो मेन काम कर रही है, वो स्ट्रांग होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। जितनी छोटी हो, जितनी स्ट्रांग होगी ना, उतने ही इफेक्टिव डिसीजंस लिए जा सकेंगे, और उन इफेक्टिव डिसीजंस को स्विफ्टली इंप्लीमेंट किया जा सकेगा, ठीक है ना। अब बात ये थी ना फ्रेंड्स कि ये जो आइडिया दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने, बहुत ही इफेक्टिव आइडिया था, क्योंकि उस समय पे क्या था ना कि एक इफेक्टिव लीडरशिप की जरूरत थी, डिसीजंस लेने की जरूरत थी, और डिसीजंस को एक विलफुली इंप्लीमेंट करने की जरूरत थी, और ऐसा कांग्रेस में हो नहीं रहा था। बाल गंगाधर तिलक जी के इस आइडिया को माना नहीं गया, ठीक है ना, और कांग्रेस कुछ खास कर नहीं पा रही थी। तो ये बात उठी कि अब क्या किया जाए। तो क्या करने के नाम पे हुआ कि यार होम रूल लीग को लाया जाए, ठीक है ना। यानी कि अगर कांग्रेस कुछ खास अभी नहीं कर पा रही, बेसिकली होम रूल लीग जो ला रही थी वो एक कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, बेसिकली वो एक मूवमेंट था, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस को रिप्लेस करने के लिए लाया जा रहा था, वो बेसिकली उसको लॉन्च करते वक्त ही बोला गया कि होम रूल लीग में जो कुछ भी किया जाएगा वो कांग्रेस के सिद्धांतों के आधार पे ही किया जाएगा, कांग्रेस के सिद्धांतों के अगेंस्ट नहीं जाया जाएगा इसमें। लेकिन चूंकि कांग्रेस इनएफेक्टिव हो रखी थी, इसलिए होम रूल लीग मूवमेंट शुरू किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, अब ऑब्जेक्टिव क्या था होम रूल लीग मूवमेंट का फ्रेंड्स। एक सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया में लाई जाए स्वराज के फॉर्म में, ठीक है ना। खासकर इसमें एनी बेसेंट जी थी, जो आयरिश लेडी थी, तो ऑब्वियस बात है कि वो सेल्फ गवर्नमेंट के लिए लड़ रही थी यहाँ पे। फिर पॉलिटिकल एजुकेशन ली जाए, लोगों को, लोग समझ पाए कि पॉलिटिकली इंडिया में क्या हो रहा है, उनके लीडर्स किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए कि अपनी लीडरशिप को सुधारा जाए। फिर डिस्कशन की स्पिरिट को इंडिया में बढ़ाया जाना चाहिए, ये था इस होम रूल लीग मूवमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था। फिर क्या था कि भाई इंडियंस का ना ब्रिटिश गवर्नमेंट में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए, एक और बात बोली गई, ठीक है। क्योंकि उस समय पे इंडियंस को ब्रिटिश गवर्नमेंट की सर्विसेज में बहुत ज़्यादा भाग नहीं दिया जा रहा था, तो एक ये और चीज़ थी कि भाई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस। और ये भी बोला गया था कि ब्यूरोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ाना चाहिए, और ये बोला गया था कि भाई जो इतना सप्रेशन ब्रिटिशर्स इंडिया का कर रहे हैं, तो इंडियंस को मोबालाइज करो, इसको इंस्पायर करो कि वो इस सप्रेशन के खिलाफ खड़े हों, अपनी आवाज़ उठाएं, अपने हक को मांगें। ये था होम रूल लीग मूवमेंट के एम। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए
सूरत स्प्लिट हुई, और सूरत स्प्लिट का जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1909 से 1915 तक कुछ खास खास हो नहीं पाया। अब उस समय पे क्या था, तीन ट्रेंड्स थे, एक तो मॉडरेट्स थे आपके, एक एक्सट्रीमिस्ट थे, एक रेवोल्यूशनरी थे। मॉडरेट्स डोमिनेट कर रहे थे कांग्रेस को उस टाइम पे 1915 के लगभग, एक्सट्रीमिस्ट काफ़ी हद तक दबाए जा चुके थे पर फिर भी वो एग्जिस्ट करते थे, और रेवोल्यूशनरीज जो ऑब्वियसली बात है बम फोड़ के ऑफिसर्स को मार के अपना बदला, जैसे गदर कॉन्स्पिरेसी टाइप के हो गए, तो ये इस टाइप के लोग थे एक्सट्रीमिस्ट। तो ये तीन तरीके के लोग थे। होम रूल लीग मूवमेंट ने क्या किया, उन्होंने होम रूल मूवमेंट ने इन तीनों को मिला के एक कंबाइंड फोर्स बनाने की कोशिश की, और ऐसी कंबाइंड फोर्स जो नॉन वायलेंस में रहे, वायलेंस ना हो, नॉन वायलेंट हो, पैसिव रेजिस्टेंस ऑफर करे, तीनों को मिला के, जो उस समय पे कांग्रेस नहीं कर पा रही थी, जिसकी जरूरत थी। दूसरी बात, होम रूल मूवमेंट का एक और ऑब्जेक्टिव था कि भैया जो इंडियंस का कॉन्फिडेंस है ना उसको बढ़ाओ, ताकि वो पहले क्या था कि यार ब्रिटिश सप्रेस कर रहा है, इंडियंस दब रहा है, तो इंडियन का एक टाइम पे ये हो गया था एटीट्यूड कि चलो यार ये तो हमारे मास्टर हैं, ये हमसे जो कहेंगे हम वही करेंगे। इस एटीट्यूड को हटाने की जरूरत थी, और यही होम रूल लीग मूवमेंट का एम था कि भाई इंडियंस के सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी सेल्फ ईगो को उठाओ, ताकि वो ब्रिटिश सप्रेशन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकें, ज़्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मांग सकें, सेल्फ गवर्नमेंट मांग सकें, और कांग्रेस के प्रिंसिपल को रियल में फॉलो कर सकें, जो उस समय पर कांग्रेस नहीं कर पा रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल मूवमेंट लॉन्च किया अप्रैल 1916 में, ठीक है ना, और एनी बेसेंट जी ने अपना होम रूल मूवमेंट लॉन्च किया अगस्त सितंबर 1916 में, यानी उस साल के अप्रैल 1916 में अपना बाल गंगाधर तिलक जी ने लॉन्च किया, और अगस्त सितंबर के टाइम पे एनी बेसेंट जी ने लॉन्च किया। ये रही एनी बेसेंट जी, आपको दिख रही है फोटो में। उसके बाद देखिए, बाल गंगाधर तिलक जी का जो इंडियन होम रूल लीग था ना, वो कहाँ कहाँ पे एक्टिव था, वो एक्टिव था आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, खासकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, थोड़ा बहुत कर्नाटका में, सेंट्रल प्रोविंसेस में, बिहार में, ठीक है, तो ये वाला था। और तिलक जी के जो लीग थी उसका जो मेन मुद्दा था कि भाई इंडिया के लिए सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, उनका जो मेन एम था, ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही अंदर ब्रिटिश एम्पायर का ही हेड रहेगा, जैसे आजकल कॉमनवेल्थ है ना, तो कॉमनवेल्थ का हेड कौन है, ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन ऑब्वियसली बात है, उस समय पर क्या हुआ कि कॉमनवेल्थ एज सच नहीं बना था, ठीक है, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर था, और उसके अंदर पे एक इधर सेल्फ गवर्निंग कॉलोनी टाइप का कंसेप्ट पे इंडिया को भी एक सेल्फ गवर्निंग कॉलोनी बनाया जाए, ये तिलक के इंडियन होम रूल लीग की मांग थी, ठीक है, और नेशनल एजुकेशन के लिए काम किया जाए, सोशल रिफॉर्म्स लाए जाए, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाए जाए, ठीक है। एनी बेसेंट जी ने क्या कहा कि वो मद्रास प्रेसिडेंसी में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव थी, और जितनी भी जगहों पे तिलक जी एक्टिव थे ना, उसके अलावा जो भी बचा जगहें बचती थी इंडिया में, उस हर जगह पे एनी बेसेंट जी की होम रूल लीग एक्टिव थी। उनकी फिलॉसफी क्या थी कि एक तो वो थियोसॉफिकल सोसाइटी उन्होंने मद्रास में फॉर्म की थी, ठीक है ना, तो थियोसॉफी की मतलब जो भाव सद्भावना थी, जो थियोसॉफी के प्रिंसिपल थे उसमें वो बिलीव करती थी, सोशल रिफॉर्म में तो बिलीव करती थी, एंशियंट हिंदू विजडम में वो बिलीव करती थी, और क्लेम्स ऑफ द अचीवमेंट ऑफ वेस्ट, तो उनका ये मानना था कि जो कुछ भी वेस्ट ने अचीव किया है वो इंडियन स्कॉलर्स ने बहुत पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था, ठीक है ना, तो वो उनको इंडियन फिलॉसफी में और इंडियन एंशियंट साइंस में बहुत ज़्यादा भरोसा था, ठीक है, तो ये था एनी बेसेंट जी की फिलॉसफी। उसके आगे चलते हैं हम। अब देखिए, ये सब यहाँ एक्टिविटीज़ चल रही थी ना, तो ऑब्वियसली बात है जब इतना कुछ चल रहा है तो गवर्नमेंट को तो पसंद आने से रहा, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एनी बेसेंट जी को जून 2017 में अरेस्ट कर लिया, किसके अंदर में, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर में, और अभी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूं, सॉरी ये जून 2017 नहीं फ्रेंड्स, ये 1917 है, रियली सॉरी, वो जल्दी जल्दी में लिख गया होगा, तो प्लीज़ इस गलती को आप माफ़ करें, ठीक है। तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के अंदर में एनी बेसेंट जी को अरेस्ट कर लिया गया, मास प्रोटेस्ट इसके अगेंस्ट शुरू हो गया कि भाई एनी बेसेंट जी को क्यों अरेस्ट किया गया जब वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रही है, और उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने अपनी आवाज उठाई कि एनी बेसेंट जी को छोड़ा जाए, और उस समय पे अमेरिका बहुत ताकतवर था, वुड्रो विल्सन का ये बोलना बहुत बड़ी बात थी, एनी बेसेंट का स्टैचर कितना ऊंचा हो चुका था आप इस बात से समझ सकते हैं। तो होम रूल लीग की जो यू ना आपका जो फेम था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, 1000 मेंबर्स थे इसके नवंबर 2016 में, फिर अप्रैल 1917 में 14,000 हुए, 1918 में 32,000 हो गए, और ये ऐसा था क्योंकि तिलक जाजा की इतनी इंस्पायरिंग और इतनी फेरी स्पीचेस देते थे ना हर जगह पे कि लोग उनका पीछे चले आते थे। कहते ना कि यार एक लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है उसकी बोलने की ताकत, अगर वो बोल के लोगों को मेसमराइज कर सकता है ना तो उसकी सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग बन सकती है, और यही लीडर की सबसे बड़ी ताकत होती है, चाहे वो लीडर एक पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो एक स्पिरिचुअल लीडर हो, जैसे धर्म गुरु हैं, ठीक है, तो धर्म गुरु अपने बातों से लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। आज की डेट में इतना लोग क्यों धर्म गुरु को मानते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी, वो अपनी स्पीच से लोगों को अपने आप में बांध लेते हैं, तो फेरी स्पीचेस का बहुत फर्क पड़ा, और इसलिए आपकी होम रूल लीग की मेंबरशिप बनी, ठीक है ना। फिर होम रूल लीग ने डिस्कशंस ऑर्गेनाइज किए, लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किए, रीडिंग रूम सेटअप किए, न्यूज़पेपर्स बांटे, पैम्फलेट्स बांटे इंग्लिश में, वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में भी बांटे, एजुकेट किया पीपल को कि वो क्या पाना चाह रहे हैं इस होम रूल मूवमेंट के थ्रू,
लोगों को इंस्पायर किया, लोगों से बोला कि आप उठिए, अपने आप को नीचे से उठा के ऊपर लेके आइए और नेशनल इंडिया के लिए लड़िए, ठीक है ना, और अपने आप स्वराज मांगिए, अपने आप को ऊपर उठाइए, रैशनलिस्ट थॉट रखिए, और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होम रूल मूवमेंट ने करी, लोगों को उठाने की कोशिश करी, क्योंकि उनको पता था कि मास मूवमेंट जो ताकत है वो लोगों में ही है। इस सब चीज़ों में कुछ न्यूज़पेपर का भी सहारा किया गया, जब तिलक ने केसरी और महारट्टा को पब्लिश किया, एनी बेसेंट जी न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ को विजिट करती थी, तो होम रूल मूवमेंट में स्वराज के कॉन्सेप्ट को भी पॉपुलराइज किया गया कि भाई सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज, और आगे आने वाले टाइम में गांधी जी भी स्वराज के कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देंगे, और शुरू शुरू के फेस में वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से स्वराज ही मानेंगे, और जब फाइनली स्वराज नहीं मिलेगा तो 1930 में लाहौर पर झंडा लड़ा के बोला जाएगा कि नहीं भैया अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है ना, पहले शुरू के फेज में गांधी जी ने केवल स्वराज ही मांगा था, ठीक है ना। और इस होम रूल मूवमेंट के प्रेशर के चक्कर में ही मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे 1919 में फ्रेंड्स, ठीक है, वो इस होम रूल मूवमेंट के प्रेशर के कारण ही आए थे, और होम रूल मूवमेंट को 1920 में डिसॉल्व कर गया। उस साल प्रेसिडेंटशिप होम रूल मूवमेंट की थी किसके पास, महात्मा गांधी जी के पास था, पर उस समय तो होम रूल मूवमेंट डिसॉल्व होने लगा और ये पूरी तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज हो गया, ठीक है। तो ये था होम रूल मूवमेंट फ्रेंड्स, आई होप ये होम रूल मूवमेंट आपको पसंद आ गया हो, अगर पसंद आया है तो ज़रूर मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बताइए कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। फ्रेंड्स इस होम रूल मूवमेंट के दौरान ही आपको पता चलेगा कि एनी बेसेंट जी को 1917 में फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया, तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। आगे आने वाले एक वीडियो में मैं आपको एनी बेसेंट जी के बारे में भी बताऊंगा, और ये वीडियो इंग्लिश में भी अवेलेबल है फ्रेंड्स, अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इंग्लिश वर्जन भी इस वीडियो का देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।